नमस्कार, शाखा नौ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं फखरुद्दीन हाशमी। आइए देखते हैं दो मिनट में दर्जन खबरें। बोरीवली से सटे गोराई के 5 आदिवासी पहाड़ों में भाजपा सरकार के 2 बड़े वादों की पोल खोल दिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को खुले में शौच से मुक्त होने का दावा किया है, लेकिन गोराई गांव में जामझाड़ पाड़ा में न तो अब तक बिजली पहुंची है न ही शौचालय बने। इन आदिवासी गाँव में 1,500 से 2,000 लोग रहते हैं। मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे 1 मई से महाराष्ट्र दौरे पर हैं, जहां अपने एक कार्यकर्ता रवि जाधव के घर जमीन पर बैठकर किए लंच। रवि जाधव पालघर के वाड़ा जिला के डिवीजन हेड हैं। निर्माण कार्य और गाड़ियों की बढ़ती संख्या के कारण प्रदूषण के स्तर में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। प्रदूषण को लेकर तमाम जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन मुंबई में प्रदूषण में सुधार होता नहीं दिख रहा है। बुधवार को मंत्रालय के सामने एक युवक ने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। यह घटना दोपहर 1 बजे के आसपास घटी। युवक का नाम गणेश पवार है, वह अहमदनगर जिले के राहुरी का रहने वाला है। विशेष मकोका कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार ज्योतिर्मय डे जेडे हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और 8 अन्य को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन मामले में सबसे ज्यादा चर्चित महिला पत्रकार जिग्ना वोरा को बरी कर दिया। विशेष जज ने कहा कि पुलिस ने जिग्ना वोरा के खिलाफ जो भी सबूत पेश किए उन्हें वह साबित करने में विफल रही है, इसीलिए उन्हें इस मामले से बरी करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 19 साल की लड़की से पहले दोस्ती की, फिर उसे शादी का प्रस्ताव दिया। शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद लड़के ने लड़की पर एसिड फेंकने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया। पायधुनी पुलिस ने 21 वर्षीय आरोपी मोहम्मद अरशद खुर्शीद अहमद शेख को इन सभी आरोपों में गिरफ्तार किया है। भिवंडी के नागांव स्थित मोमिन अपार्टमेंट के दूसरी मंजिल पर छापा मारकर थाने अपराध शाखा के मानव तस्करी प्रतिबंधक विभाग ने जिस्म फरोशी का व्यवसाय करने वाले एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। सोलापुर विश्वविद्यालय के साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय का नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। सकल मराठी समाज की तरफ से मुंबई विश्वविद्यालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय करने की मांग की गई है। संगठन ने उम्मीद जताई है कि उनकी मांग पर राज्यपाल और सरकार गंभीरता से विचार करेगी। आज शाम दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड्स की रौनक के लिए तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। इस समारोह में शामिल होने के लिए सभी नेशनल फिल्म अवार्ड विनर्स बुधवार दोपहर से ही दिल्ली में जमा होने लगे। इन्हें तब जोरदार धक्का लगा जब पता चला कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन सभी विनर्स में से केवल 11 को ही अपने हाथों से अवार्ड प्रदान कर सकेंगे। दिल्ली ने राजस्थान को 4 रन से हराया। बारिश के कारण राजस्थान को 12 ओवर में 151 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे वह हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई। प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए शाखा 9 चैनल को। थैंक यू।